आज की स्टोरी का नाम है कंचे खेलने वाली बहू। एक समय की बात है, एक गांव में गरीब परिवार रहा करता था। उस गरीब परिवार में एक सुंदर सी बहू थी जिसका नाम लता था। लता की खासियत थी उसकी मुस्कान और सहानुभूति। गरीब होने के बावजूद लता की खुशियां कभी भी कम नहीं होती थी। वह छोटे छोटे कंचों को अपनी खुशियां मानती थी और हर दिन लता कंचों के साथ खेलने में खो जाती थी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उस धन्य व्यापारी ने सभी को बहुत ही खुश किया। अमीर व्यापारी ने सभी को बड़े कंचे खेलने की प्रस्तावना दी और कंचे की प्रतियोगिता की। लता भी अपने कंचों के साथ उस प्रतियोगिता में गई। अमीर व्यापारी ने देखा और वे हंसने लगा, तुम तो गरीब हो, तुम इस कंचों से क्या करोगी? लता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भले ही ये छोटे हैं, परंतु मेरे लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। अमीर व्यापारी ने उसकी बातों को हंसकर नकारात्मक रूप से ठुकरा दिया, लेकिन लता ने अपना आत्मनिर्भर खोने का नाम नहीं लिया और अपने छोटे से कंचों के साथ खेलना शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया और एक दिन फिर से अमीर व्यापारी ने उसके पास जाकर देखा, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण बदल गया। लता को खेलते हुए देख के उसकी मासूमियत और उत्साह को देख के प्रभावित हुआ। व्यापारी ने लता से कहा, तुम्हारा आत्मनिर्भर और खुशी मुझे देख के प्रेरित कर रही है, मैं तुम्हें अपने बड़े कंचे के साथ खेलने का मौका देता हूँ। लता की मेहनत और आत्मविश्वास ने उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। उसने व्यापारी के साथ बड़े कंचे के साथ खेलना शुरू किया, लेकिन उसकी मासूमियत और मुस्कान कभी नहीं बदल सकती। लता ने व्यापारी के साथ खेल में जीत हासिल की और अपने सपनों को पूरा किया। व्यापारी ने लता को कुछ धन और तोहफे प्रस्ताव में दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और आत्मविश्वास अगर हमारे पास है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।